गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज थॉट ऑफ द डे, बी द टाइप ऑफ पर्संस योर वॉन्ट टू मीट, अर्थात उस तरह का इंसान बने जिस तरह का इंसान से आप मिलना चाहते हैं। जाहिर सी बात है बच्चों, हम लोग अच्छे इंसान से ही मिलना चाहेंगे, क्योंकि हर इंसान को अच्छे लोगों से मिलने की इच्छा होती है, ताकि वो उनसे अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण कर सके, है ना। तो जब हम अच्छे इंसान से मिलना चाहेंगे तो हमें खुद भी अच्छा बनना पड़ेगा। अगर हम अच्छे नहीं बनेंगे, हमारा स्वभाव दूसरों के प्रति अच्छा नहीं होगा, तो हम दूसरों से उस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वो इंसान भी हमसे अच्छा व्यवहार करे, है ना। पिछले क्लास में हमने हिंदी फर्स्ट पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकंड। हिंदी सेकंड का 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का। आज हिंदी सेकंड का चैप्टर नंबर 6 आज हम लोग पढ़ेंगे, ओके। चैप्टर नंबर 6 में चैप्टर का नाम है वचन, वचन मतलब नंबर, ओके। एक वचन, दो वचन, बहुवचन, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है ना, छोटे क्लासेस से आप लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं, है ना। इसी के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। वचन क्या होता है बच्चों, ये बताइए। वचन अगर हम कहें तो एक लैंग्वेज में अगर बोला जाए कि संख्या, जिस शब्द से हमें संख्या का अनुमान होता है कि वह संख्या कितनी है, एक है, एक से अधिक है, बहुत सारी है, है ना। तो जिस इससे हमें जिसका ज्ञान हो उसे हम कहते हैं वचन, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, एक लड़का है और उसके हाथ में एक संतरा है और इस बास्केट में अनेक संतरे हैं, है ना। ये हाथ में एक संतरा और ये अनेक संतरा, ओके। यहाँ पर देखिए, एक बिल्ली है, एक बिल्ली क्या कर रही है, कुछ खा रही है या दूध पी रही है, कुछ भी कर रही है। और यहाँ पर एक से अधिक बिल्ली, दो हैं, तीन हैं, कुछ भी एक से अधिक है ना, तो ये हो गए बहुवचन, ठीक है। ये हुए एक वचन, ये हो गए बहुवचन, ओके। अब देखिए, इसे लिखा है सौरभ संतरा खा रहा है। अब क्योंकि ये एक वचन है, टोकरी में कई संतरे रखे हैं, संतरे, ठीक है। एक वचन है तो संतरा और अनेक वचन है तो संतरे, एक से अधिक हो गए, ठीक है। फिर वैसे ही एक बिल्ली दूध पी रही थी है, तथा कई बिल्लियां घूम रही हैं, ठीक है। एक बिल्ली यहाँ दूध पी रही है और यहाँ पर कई बिल्लियां घूम रही हैं, एक है तो बिल्ली, अनेक है तो बिल्लियाँ, ओके। ऊपर दिए गए वाक्यों में संतरा तथा बिल्ली, उनके संख्या में एक का एक होने का बोध कर आ रहे हैं, जबकि संतरे और बिल्लियाँ उनके संख्या में से एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं, यही वचन कहलाते हैं। अब इसे परिभाषित रूप में अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो हम लोग इस तरह लिखेंगे, शब्द के जिस रूप से उसका उसका संख्या में एक या अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिससे एक संख्या का बोध हो वह एक वचन होता है, और जिससे एक से अधिक संख्या का बोध हो वो बहुवचन होता है, ठीक है। आइए अब इसे परिभाषित रूप में हम लोग पढ़ेंगे। शब्द के जिस रूप से किसी ही एक प्राणी, वस्तु या पदार्थ का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे तोता, चूहा, पंखा, कुर्सी, घड़ी, चम्मच, पतंग, पुस्तक आदि, ओके। उदाहरण स्वरूप यहाँ आपको एक एक चीज़ दिख रहे हैं, इसलिए ये एक वचन की वस्तुएँ हैं। अब
शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु तथा पदार्थ का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे तोते, चूहे, पंखे, कुर्सियाँ, घड़ी, चमचे, पतंग, पुस्तकें आदि। ठीक है, एक से अधिक है, दो है, तीन है, तीन है, चार है, एक से अधिक है तो बहुवचन। ओके, वचन परिवर्तन के नियम। वचन परिवर्तन के कुछ नियम इस प्रकार हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ को ए में बदलकर, जैसे सड़क, सड़कें, बहन, बहने, रात, रातें, पतंग, पतंगे, आँख, आँखें, पेंसिल, पेंसिले, पुस्तक, पुस्तके, बात, बातें, भैंस, भैंसे, दुकान, दुकाने, खाट, खाटे, बूंद, बूंदे। ठीक, अब पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को ए में बदल कर, इसके लास्ट में शब्द के अंत में आ की मात्रा आए उसमें ए लिखा जाता है। ठीक है, जैसे छाता, छाते, संतरा, संतरे, केला, केले, बच्चा, बच्चे, पंखा, पंखे आदि। ठीक है, अब अंत में छोटी ई तथा बड़े ई वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर। ठीक है, जैसे तितली, अब तितली है बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, अब ये बन गए बहुवचन में आए तो तितलियाँ। तो जो अब ये भी आपको देखना पड़ेगा कि जो बड़ी मात्रा लिखी हुई है, बड़ी ई की मात्रा है, जब बहुवचन में आती है, ठीक है, जब बहुवचन में आती है तो वो बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा बन जाती है। समझ में आया? उसके बाद यां लगता है तब बहुवचन कहलाता है। ठीक है, अब आप इसी तरह तितली लिखिए, इसमें यां नहीं लगा सकते, बड़ी ई की मात्रा को पहले आपको छोटी ई की मात्रा बनानी पड़ेगी। ये गलती आप लोग कभी भी ना किया कीजिए, इसलिए मैं इसको अच्छे से आपको समझा रही हूँ, आप समझ लीजिए। बड़ी ई की मात्रा को आप छोटी ई की मात्रा बनाएंगी, उसके बाद यां लगाएंगी, तब वह शब्द सही होगा। ओके, उसी तरह गाड़ी, गाड़ियाँ, पहाड़ी, पहाड़ियाँ, टोपी, टोपियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ, थाली, थालियाँ, चक्की, चक्कियाँ, मक्खी, मक्खियाँ, कहानी, कहानियाँ, पत्ती, पत्तियाँ, तिथि, तिथियाँ, विधि, विधियाँ, जाति, जातियाँ, गति, गतियाँ। ओके, अब अंत में आ उ या उ, बड़ा उ या छोटा उ हो तो बड़ा उ को छोटा उ में बदल कर क्या लगाएंगे? ऐ, जोड़ कर जोड़ देते हैं। अब देखिए कैसे जोड़ेंगे, वस्तु है ना, इसमें क्या लगा? छोटा उ की मात्रा है, अब छोटे उ की मात्रा में ऐ जोड़ेंगे, वस्तुएं, ऋतु, ऋतुएं, घेनु, घेनुएं, बहु, बहुएं, वधु, वधुएं, माता, माताएं, दवा, दवाएं, धातु, धातुएं, सभा, सभाएं, माला, मालाएं, कन्या, कन्याएं, कविता, कविताएं, ए, ओके, ए लगेगा, ए। अंत में इया वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अनुनासिक यानी ये साइन, जिसे हम चंद्रबिंदी भी कहते हैं, यह लगाना पड़ेगा। जैसे चुईया, चुईया, चिड़िया, चिड़िया, लुटिया, लुटिया, बिटिया, बिटिया, बिंदियाँ, बिंदियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, गुड़िया, बुढ़ियाँ, डिबिया, डिबियाँ, तकिया, तकियाँ। के गण, लोग और जन जोड़कर, जैसे पाठक, पाठक गण, आप,
आप लोग, ओके, गुरु गुरुजन, अध्यापक अध्यापक गण, विद्यार्थी विद्यार्थी गण, अतिथि अतिथि गण, ओके। अब देखिए, इसे भी जानना जरूरी है, यह भी जानिए, आदर देने के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी बाजार गए हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ बहुवचन का प्रयोग हुआ है, गए, गया नहीं, गए, रहे, नॉट रहा, ओके। कुछ सब सदैव एक वचन में भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सोना चांदी दूध दही बारिश आकाश सत्य आदि। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंसू समाचार प्राण दर्शन हस्ताक्षर आदि। द्रव्यवाचक तथा भाववाचक संज्ञा एक वचन में प्रयोग की जाती है। ओके, आइए हम लोग क्या पढ़े हैं उसको एक बार दोहराएंगे। शब्द का वह रूप जिससे किसकी किसी उसकी संख्या का बोध हो, वचन कहलाता है। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आदर देने के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द सदैव एक वचन और कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ओके, मुझे आशा है कि ये चैप्टर आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। ये चार क्वेश्चन हैं बच्चों, मैं आप लोग को लिख के दूंगी, तब आप लोग इसको राइट कीजिएगा। ओके, आइए हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर का। सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। विद्यार्थी का बहुवचन क्या है? विद्यार्थी विद्यार्थियों विद्यार्थीगण या इनमें से कोई नहीं, विद्यार्थी गण। ओके, निम्नलिखित में कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान होता है? नेता घोड़ा केला गन्ना नेता। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है? होश बादल आकाश हस्ताक्षर आकाश। बुढ़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा? बुढ़िया 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 नहीं बुढ़ियाओं नहीं बुढ़िया, ठीक है। दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाकर रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए। यहाँ देखिए साइड में आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इनके हमें बहुवचन बना करके यहाँ ब्लैंक्स में लिखने हैं। बाजार में बाजार के सभी, यहाँ पर लिखा है दुकान, हमें लिखना है दुकानें बंद थीं। खाने पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। रोहन सारी अपनी सारी पुस्तकें बस्ते में रखता है। हमारे घर में 6 कमरे हैं। हमारी कॉलोनी की सड़कें बहुत खराब हैं। ओके, ये हो गया नंबर खा। दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाइए। लुटिया लुटियाँ, पुस्तक पुस्तकें, चाबी चाबियाँ, पहाड़ी पहाड़ियाँ, देवी देवियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, बूंद बूंदें, कमरा कमरे, अतिथि अतिथिगण, गुरु गुरुजन। ओके, रंगीन शब्दों के वचन परिवर्तन करके पुनः लिखिए। डॉक्टर ने रोगी को दवा दी, डॉक्टर ने रोगियों को दवा दी, ठीक। रोहित ने कक्षा में कविता सुनाई, रोहित ने कक्षा में कविताएं सुनाई। अध्यापक ने प्रधानाचार्य ने अध्यापक को बुलाया, प्रधानाचार्य ने अध्यापक गण को बुलाया। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं उड़ रही थीं। मुझे नई पुस्तक खरीदनी पड़ी, मुझे नई पुस्तकें खरीदनी पड़ी। अब देखिए, निम्नलिखित में वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मैंने वचन बदल के दिया है, आप लोग खुद वाक्य में प्रयोग करेंगे। ओके, आप लोग 5th क्लास में हैं, वाक्य प्रयोग खुद कर सकते हैं। गाड़ी गाड़ियाँ, खिलौना खिलौने, दवा दवाएँ,
अतिथि अतिथिगण, चुहिया चुहिया, ठीक है। यहाँ पर आपको वाक्य प्रयोग खुद करना है, ठीक। अपने आसपास स्थित वस्तुओं में से 5 वस्तुओं के नाम लिखकर उनके बहुवचन बनाइए। यहाँ पर 5 से ज़्यादा दिए गए हैं, चलिए कोई बात नहीं है। 1, 2, 3 कम से कम 10 शब्द बनाइएगा, ठीक है। 10 शब्द यहाँ लिखिएगा जो एक वचन में हो, और उसी एक वचन के शब्दों को यहाँ पर बहुवचन में प्रयोग कीजिएगा, ओके। कम से कम 10 शब्द करके मुझे दिखाइएगा, संडे को जब वर्क भेजेंगे आप लोग इसको वर्कबुक में कीजिएगा। ये दोनों वर्कबुक में करना है, ठीक है, इसको कॉपी में नहीं करना है, ये दोनों कॉपी में नहीं करना है, ठीक, इसे वर्कबुक में ही करना। आपको कॉपी में क्या करना है, का, खा, गा और घा, ठीक है। ये चारों आप लोग कॉपी में, फेयर कॉपी में राइट कीजिएगा, चैप्टर का नेम डाल के, और क्वेश्चन आंसर मिलेगा, क्वेश्चन आंसर को राइट कीजिएगा। इस बार बार कह रही हूँ, इसको, इन दोनों को आपको वर्कबुक कॉपी में ही, वर्कबुक में करना है, कॉपी में नहीं करना है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसे कॉपी में, फेयर कॉपी में मत कीजिएगा। इसको यहाँ पर इस तरह से एक वचन के शब्द हैं, ये बहुवचन के शब्द बनाने के बाद में यहाँ से आप इसको वाक्य प्रयोग कीजिएगा, ओके। और यहाँ पर कम से कम 10 शब्द लिखिएगा एक वचन के, और उन्हीं एक वचनों के शब्द को बहुवचन में प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। ये वर्कबुक के लिए है, और का, खा, गा और घा ये आपकी कॉपी के लिए वर्क है, ठीक है। समझ में आ गया सबको चैप्टर, ओके। इतना कंप्लीट करने के बाद में तब क्वेश्चन आंसर राइट कीजिएगा, ठीक है। और इस चैप्टर को साथ साथ में लर्न भी करते जाइएगा, इसके अलावा भी जितने चैप्टर पहले से कराए गए हैं उनको भी लर्न कर लीजिएगा, ओके। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, ओके। आज का कोड है MPS 41।